बातें होंगी टेक्नोलॉजी की, रखा जाएगा आपको सबसे आगे, आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब टेक लैब में आके। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अभी तक आपने सुना था कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्स बिल्कुल ही बैन कर दी हैं, और एक या दो नहीं 59 चाइनीज एप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, जिनमें बहुत बड़ी और पॉपुलर एप्स भी थी, जैसे कि यूसी ब्राउजर, टिकटॉक और न जाने ऐसी कितनी ही एप्स जिन्होंने इंडियन मार्केट में तहलका मचा रखा था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्च इंजन गूगल की। गूगल ने भी सफाई का काम शुरू कर दिया है, और ऐसी सफाई की है कि मानो दिवाली ही आ गई। सर्च इंजन कंपनी गूगल ने प्ले स्टोर से 25 एप्स को सुरक्षा कारणों से चलते डिलीट कर दिया है। इन एप्स पर आरोप लगा था कि यूजर्स का फेसबुक डेटा चुरा रहे थे। इस बात की जानकारी कंपनी को फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी फर्म ने दी थी। जैसे ही गूगल को ये पता चला, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इन 25 एप्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा उन एप्स के बारे में जिसको गूगल ने हमेशा के लिए अपने प्ले स्टोर से कर दिया है दूर। क्या आप भी उन एप्स को यूज कर रहे थे या कर रहे हैं? अगर आप इन एप्स को यूज कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने फोन से इनको कर दीजिए अनइंस्टॉल, और अपने डेटा को कीजिए सेफ। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही 25 एप्स की जिनको गूगल ने किया है किक आउट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुपर वॉलपेपर फ्लैशलाइट। दोस्तों एक ऐसी ऐप थी जिसमें आपको मनचाहे वॉलपेपर मिलते थे प्लस फ्लैशलाइट के साथ, लेकिन ये ऐप आप भली भांति जानते हैं हमारा फेसबुक डेटा चुरा रही थी, तो गूगल ने इसको मारी चोर से लात। अब बात करते हैं वॉलपेपर लेवल की। ये भी हमारे फोन के डेस्कटॉप से जुड़ा एक ऐसा ऐप था जो हमारी सारी जानकारी बाहर लेकर जा रहा था। अब बात करते हैं आई प्लेयर की। आई प्लेयर म्यूजिक के लिए एक ऐसा ऐप था जो गाने सुनने में मदद करता था, साथ ही साथ हमारे म्यूजिक सुनने की प्रोसेस को सिंपल कर दिया था, मगर सिंपल करने के साथ साथ डेटा चोरी भी कर रहा था। अगर हम किसी को कहें कि आपका डेटा चोरी करेंगे लेकिन आपके काम को थोड़ा सिंपल कर देंगे तो कोई इस बात के लिए हाँ नहीं करेगा। इसी के चलते गूगल ने इसको भी मारी जोर से लात। दोस्तों बात करते हैं बहुत ही चहीते शानदार गेम की, क्लासिक कार्ड गेम। एक ऐसा गेम था जो बच्चे बूढ़े जवानों के लिए लोकप्रिय था, लेकिन ये भी हमारा डेटा चोरी कर ही रहा था, और गूगल ने इसको भी मारी एक अच्छी और बड़ी दूर ले जाने वाली लात। अब बात करते हैं जंक फाइल क्लीनिंग की। दोस्तों एक ऐसा ऐप था जो आपके फोन को थोड़ा तेज बना रहा था, आपके फोन को साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन साफ सफाई के साथ साथ हमारा डेटा चोरी भी कर रहा था, तो गूगल ने इस ऐप को भी किया नॉकआउट। दोस्तों अगर आपके पास ये एप्स अब भी हैं तो समय रहते इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपने फोन में इनको ज्यादा दिन रखकर अपने सिक्योरिटी के साथ, अपनी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और ऐप की जिसका नाम था वीडियो मेकर। इसमें आप मनचाही एडिटिंग कर सकते थे, वीडियो को ऑडियो में तब्दील कर सकते थे, और बहुत ही आसानी के साथ वीडियोस के साथ खिलवाड़ कर सकते थे, यानी कि मनचाही एडिटिंग। लेकिन इस मनचाही एडिटिंग के साथ ये ऐप भी ले रहा था मनचाहा आपका डेटा, तो गूगल ने इसको भी कर दिया क्लीन बोर्ड। अब बात करते हैं एक और ऐप की जिसका नाम है आई हेल्थ स्टेप काउंटर। दोस्तों बहुत से लोगों ने अपनी हेल्थ को बचाए रखने के लिए आई हेल्थ स्टेप काउंटर इंस्टॉल किया था, जो आपकी दिन भर की सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता और आपको बताता कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, आप कितनी देर चले हैं, आप कितनी देर भागे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये ऐप भी कर रहा था चोरी, जिसके चलते गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर से भगा दिया इतना दूर कि अभी अपनी कैलोरी खुद ही बर्न करेगा और खुद ही गिनेगा। दोस्तों बात करते हैं एक्यूरेट स्कैनिंग और क्यूआर कोड की। दोस्तों एक ऐसा ऐप था जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे थे। इस ऐप ने उनके स्कैनिंग के काम को बहुत आसान कर दिया था, मगर याद रखिए आसान के साथ साथ इन्होंने हमारा डेटा भी चुराया है, जिसके चलते गूगल ने इसको भी मारी है बहुत अच्छी लात और कर दिया है प्ले स्टोर से बाहर। दोस्तों अब बात करते हैं एनिमी लाइव वॉलपेपर की। इसको भी प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब बात आती है डेली होरोस्कोप वॉलपेपर्स की। ये भी अपना डेटा कर रहा था चोरी, तो गूगल ने इसको बोला गेट आउट। अब बात करते हैं कंपोजिट चैट की। एक बहुत पॉपुलर ऐप थी जो मोस्ट ऑफ लोग यूज कर रहे थे। अगर आप भी इसके यूजर हैं तो जितना जल्दी हो सके इसे अपने फोन से अनइंस्टॉल करें और अपनी प्राइवेसी को बचाए रखें। दोस्तों अब एक और ऐप आती है जिसका नाम था फाइल मैनेजर।
दोस्तों फोन में भी फाइल मैनेजर होता है, मगर कुछ लोगों ने फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर रखा था जिससे कि अपने फोन की मेमोरी को अच्छे से यूज कर सके, मैनेज कर सके। लेकिन इस मैनेजमेंट के साथ साथ ये ऐप कर रहा था हमारे डेटा की चोरी, तो गूगल ने इसको भी किया आउट। दोस्तों बात करते हैं एक और ऐप की जिसका नाम है सुपर फ्लैशलाइट। अगर आप भी इसके यूजर हैं, अगर आपने भी फोन में इसको इंस्टॉल करके रखा है तो जितना जल्दी हो उसके अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये कोई ज्यादा बड़ी फायदेमंद ऐप नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनके फोन की इनबिल्ट फ्लैशलाइट इतनी ज्यादा मजेदार नहीं है, तेज नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा सुपर लाइट इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि अच्छे से विजन मिल सके। लेकिन इस विजन के साथ साथ आप उनको दे रहे थे अपना पर्सनल डेटा, तो गूगल ने इसको भी कर दिया है क्लीन बॉल्ड। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी एप्स जो आपकी प्राइवेसी के साथ कर रही थी खिलवाड़, तो इनको सजा दी है हमारे सबसे लोकप्रिय, हमारे सबसे खास सर्च इंजन गूगल ने, और साथ ही साथ हमें किया है सिक्योर, हमारे डेटा को चोरी होने से बचाया है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी एप्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की कुछ और नई बातें लिए, तब तक आप सभी को अलविदा।